हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड। तो आज हम लोग प्रूव करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो आपकी आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों को केमिकल पोटेंशियल जो है उसका रिलेशन अदर थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी में प्रूव करना है। और हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि जो केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ कैसे होता है। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, और पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी वाला भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है हम लोगों का। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है जी? ठीक है, जो गिब्स फ्री एनर्जी हम लोगों का होता है वो फंक्शन किस चीज़ का होता है? प्रेशर का होता है, टेम्परेचर का होता है, और N1, N2, NI पार्टिकल्स। N1, N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, कितने अमाउंट में है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, गिब्स फ्री हम लोगों का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी क्या, ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वहीं पे क्या होती है जो हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स पे नहीं डिपेंड करती है। तो हम लोगों का गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन मतलब एक फंक्शन है प्रेशर टेम्परेचर N1, N2, NI। अब मैं इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो डी ऑफ फंक्शन है कैन बी रिटन एज डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर N1, N2। अगर आपने वीडियो देख रखी है तो बहुत अच्छा है, तब तो आपको समझ में आ रहा होगा। इंटू डी पी, यहाँ पर मैंने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे और भी चीज़ों पे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है हम लोगों का गिब्स फ्री एनर्जी। प्लस ऐसे ही हम लोग टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर N1, N2, NI इंटू डी टी। प्लस N1 के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन आपको पूरा ऐसे ही लिखना है, नोट डाउन कर लेना है। प्रेशर टेम्परेचर N2, NI इंटू डी N1 प्लस ऐसे ही डेल जी अपॉन, अब मैं पूरा नहीं लिखने जा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट ith पार्टिकल के बारे में लिख दे रहा हूँ। N2 वाला मैं थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा हूँ ना, मुझे ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, इंटू डी NI। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों का फर्स्ट मान लेते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? अभी तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो देखी है तो डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होता था हम लोगों का? वी होता था, वॉल्यूम। और डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट, डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हम लोगों को देता था माइनस निगेटिव ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को मैं इसमें रख दूंगा तो हम लोगों का इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। हम लोगों का क्वेश्चन में हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी तो हम लोगों का इक्वेशन आ गया डेल जी इज इक्वल टू VdP माइनस SdT प्लस, बाकी चीज़ें मैंने वैसे ही रख दी हैं। और यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरीके से भी इक्वेशन को लिख सकते हैं, PtNJ। यहाँ पे अगर NJ हम लोग लिख देते हैं तो J इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू I, यहाँ पे J डज नॉट इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, और J डज नॉट इक्वल टू 1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मानने जा रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट है इसको छोड़ के बाकी सारे कंपोनेंट का मैं नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स और सारे को कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो ये DN1, DN2, DN3 जो जो भी पार्टिकल्स हैं उनके जीरो हो जाएंगे सारे कंपोनेंट, बचेगा किसका, सिर्फ इसका बचेगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है कि कीपिंग हम लोग कॉन्स्टेंट रख रहे हैं सिर्फ सारी चीज़ों को और इसको छोड़ के सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी, तो हम लोगों का इक्वेशन जो आ जाएगा वो हो जाएगा DG इज इक्वल टू VdP माइनस SdT, ठीक है, प्लस μI DNI। अब आप लोग पूछेंगे यहाँ से μI कहाँ से आ गया, तो डेल जी अपॉन डेल NI क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल μI होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है DG इज इक्वल टू वो होता है DE प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। ये इक्वेशन कहाँ से आया, इसके पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसको मैं इक्वेशन अगर 3 मान लेता हूँ तो यहाँ पे दोनों साइड को हम लोग इक्वेट कर देंगे, दोनों साइड को इक्वेट करेंगे तो हम लोगों को आएगा VdP माइनस SdT प्लस केमिकल पोटेंशियल μI DNI इज इक्वल टू DE प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं VdP यहाँ पे VdP माइनस SdT माइनस SdT, यहाँ से ये दोनों हम लोगों के कट जाएंगे। तो हम लोगों का इक्वेशन क्या बचेगा, μI DNI इज इक्वल टू DE प्लस PdV माइनस TdS। अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एंट्रोपी और वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंट्रोपी और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, वैसे ये और ये टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। तो हम लोगों का इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगा, μI DNI इज इक्वल टू डी ऑफ ई एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस DNI को मैं इधर नीचे की तरफ ले आऊँगा, तो हम लोगों का इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम लोगों का केमिकल पोटेंशियल है μI ith पार्टिकल का, हो जाएगा डेल ई, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अपॉन डेल ऑफ NI एट कॉन्स्टेंट
एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। पहला हम लोगों को यही प्रूफ करना था, तो पहला हम लोगों का प्रूफ हो गया। अब दूसरे वाले की बारी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले की प्रूविंग। तो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस में कि हम लोगों का इक्वेशन टू आया था ऐसे, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस जी टी प्लस म्यू आई डी एन आई, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये भी पता है कि जो हम लोगों का डेल जी होता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डी एस माइनस एस जी टी। अब ये पूछेंगे आप ये कहाँ से आया, तो आपने इक्वेशन ये तो शायद पढ़ रखी हो ट्वेल्थ में ही, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, याद है। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा ना। अब इक्वेशन आप दोनों देख सकते हैं, दोनों साइड डेल जी है। यहाँ पे अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूँ तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, वी डी पी माइनस एस डी टी प्लस केमिकल पोटेंशियल म्यू आई डी एन आई इज इक्वल टू डी ऑफ एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। यहाँ से हम लोगों को कुछ दिख रहा है कि एस डी टी और एस डी टी कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या आएगा, इसको मैं इधर लेते आऊँगा, तो हम लोगों का वी डी पी प्लस म्यू आई डी एन आई प्लस टी डी एस इज इक्वल टू डी एच। अब मुझे इसके एंथैल्पी के इसमें चाहिए, तो हम लोग क्या क्या एंट्रोपी और प्रेशर को कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले में किया था, कांस्टेंट एंट्रोपी एंड प्रेशर। तो ये दोनों टर्म हम लोगों का जीरो हो जाएगा। तो अगर हम लोग डी एन आई से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, केमिकल पोटेंशियल म्यू आई इज इक्वल टू डेल ऑफ एच अपॉन डेल एन आई आईएथ पार्टिकल एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी एंड प्रेशर। हम लोगों को यही प्रूफ करना था। अब हम लोगों का बस एक और प्रूफ करना बाकी है, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी। तो हम लोग अगले पे बढ़ते हैं। तो हम लोग केमिकल पोटेंशियल का रिलेशन देखने जा रहे हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के साथ। किसके साथ, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के साथ। तो हम लोगों का जो वो क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के साथ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो हम लोगों का इक्वेशन कुछ डी जी का आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है। अब दोनों डी जी है, ठीक है। अब दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, तो दोनों को इक्वेट करने पे वी डी पी माइनस एस डी टी प्लस म्यू आई डी एन आई इज इक्वल टू डी ए प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। यहाँ से कुछ आप लोगों को कटते हुए दिख रहा होगा, वी डी पी और वी डी पी कट गया, म्यू आई डी एन आई मैं ऐसे रख लेता हूँ, डी ए प्लस पी डी वी प्लस एस डी टी। अब मुझे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी चाहिए, तो हम लोग कॉन्स्टेंट क्या ले लेंगे, वॉल्यूम और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, आप लोग लिखेंगे एग्जाम में। तो म्यू आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी डेल ए अपॉन डेल एन आई, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर। ये हम लोगों का है केमिकल पोटेंशियल का रिलेशन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के साथ। हम लोगों ने क्या क्या देखा, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के साथ इसका रिलेशन देखा, एंथैल्पी के साथ इसका रिलेशन भी देख लिया, और टोटल एनर्जी ई के साथ भी इसका रिलेशन देखा। और प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था इसका प्रेशर और टेम्परेचर के साथ रिलेशन, तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। होप आपको वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।